तो और मेरे भाई लोग, क्या हाल है। फिलहाल इस वीडियो को मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि 0.31 का जो अपडेट था हमारा, वो एक्सपेक्टेड था कि 31 तक आ जाएगा या उससे पहले आ जाएगा, लेकिन स्टिल अभी तक नहीं आया है। हम सब के अंदर ये क्यूरियोसिटी है जानने की कि अपडेट में डिले क्यों हुआ है। अगर डिले हुआ है तो उसे हमें अपसेट होना चाहिए या और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें कवर की हैं, और अगर इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो सारे डाउट डिलीट के रिगार्डिंग कवर कर लोगे तुम, और अच्छे चीज़ें समझ लोगे, और आई थिंक इसके बाद तुम्हें कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं तुम लोगों को देने वाला हूं, ये मैंने सारी रिसर्च की है। उनके ऑफिशियल डिस्कॉर्ड पे मैं गया था स्टम्बल गाइस के, वहां मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। कुछ मैंने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को भी चेकआउट किया है, और मैंने उनके ऑफिशियल प्रेस जो उनकी डिपार्टमेंट होती है उनको मेल भी करके इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं वन बाई वन आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर अपडेट डिले हुआ है उसे हमें खुश होना चाहिए या हैप्पी होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ 0.31 अपडेट में सबसे पहले कि किस चीज़ के चांसेस सबसे ज़्यादा है मिलने के, तो अगर तुम लोग ने मेरी 3 महीने पुराने वाली वीडियो को चेकआउट किया होगा कभी ना कभी, तो उसमें मैंने तुम लोग को एक बताया था ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन कि स्टम्बल गाइज वालों ने एक ऑफिशियली अपडेट डाला है अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पर कि अगर कोई भी इंटरेस्टेड है पोल में पार्टिसिपेट करने के लिए कि हम लोग फ्यूचर में किस तरह के इमोट मिले, तो वो हमारे उनके डिस्कॉर्ड सर्वर पर जाके उस चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने एक ऑफिशियली पोल अरेंज कराया था। ये ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने पुरानी बात है। यानी इमोट्स जब भी हम लोग जिक्र करते हैं, यानी हमें स्टम्बल पास 2 का ख्याल सबसे पहले आता है। तो इसके रिगार्डिंग वो लोग सोच रहे थे, इस बात की गारंटी तो थी, और ये ऑलमोस्ट 3 महीने पुरानी बात है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो 0.31 का अपडेट है इसमें हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस स्टम्बल पास 2 के रिगार्डिंग। और मैंने बहुत ज़्यादा डिस्कॉर्ड सर्वर को उनके रिसर्च किया है और बहुत सारे यूट्यूब चैनल को भी रिसर्च किया है, तो उसके हिसाब से भी एक कंक्लूजन निकल रहा है कि स्टम्बल पास 2 हमें मिल सकता है। और ऑलमोस्ट 1 ईयर से ज़्यादा हो चुके हैं इस गेम में, और स्टिल स्टम्बल पास का अपडेट ना आना इस गेम का एक डिसएडवांटेज भी तुम कंसिडर कर सकते हो। तो आई होप स्टम्बल पास 2 हमें सबसे ज़्यादा चांसेस है मिलने के। लेकिन मैं इसके साथ एक चीज़ और एड ऑन करना चाहूँगा कि हमें कस्टम रूम भी मिल सकता है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा मुझे लीक्स मिले हैं, इन्फॉर्मेशन मिले हैं। तो मैं ये दोनों को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, स्टम्बल पास 2 या कस्टम रूम, या फिर दोनों चीज़ें हमें मिल सकती हैं 0.31 अपडेट में। तो हमें डिलेड हुआ अपडेट में उस पर खुश होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जितना ज़्यादा उन्हें टाइम मिलेगा उतना बेटर हमें अपडेट मिलेगा, मेरा ऐसा मानना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हमें नेक्स्ट क्या चांसेस हैं, कब तक ये अपडेट मिलेगा। तो अगर रिलीज डेट के रिगार्डिंग बात करें 0.31 अपडेट के, तो जहां तक मैंने रिसर्च की है ऑलमोस्ट अभी से 1 वीक मैक्स लग सकता है। बहुत सारे मैंने यूट्यूब चैनल को चेकआउट किया, बहुत ज़्यादा मैंने डिस्कॉर्ड पे भी जाकर रिसर्च किया, और मैंने उनके ऑफिशियल प्रेस मीडिया को मेल भी किया। हालांकि मेल का कोई कंक्लूसिव रिप्लाई नहीं आया, बहुत घुमा फिरा रिप्लाई आया। तो मेरे हिसाब से 1 वीक हमें और वेट करना चाहिए, विद इन 1 वीक हमें शायद अपडेट 0.31 का मिल जाए। तो अब तुम लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कर देना। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और ऑफिशियल नॉलेज के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हो सब्सक्राइब करके। और अगर कुछ फनी वीडियोज़ देखनी है, अगर किसी को आर्यन खान से बात करनी है, तो ऊपर वाली वीडियो ज़रूर चेकआउट कर लो, और मेरी लास्ट राउंड की वीडियो देखनी है तो नीचे वाली वीडियो ज़रूर जाकर चेकआउट कर लो। दोनों बहुत मस्त और तगड़ी वीडियो है। टेक केयर, मज़े करो, बाय बाय।